श्री परमात्मने नमः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ श्रीऋषभ्यो नमः ॐ सहनाबवतो सहनौ भुनक्तो सः वीर्यम्

देववाणी संस्कृत यूट्यूब चलदृश्यम प्रति हाद स्वागत मित्रो अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति ष्ठाध्याय प्रथम पाद कक्षा संख्या चुशत चौतीसमी कक्षा को पढ़े ठीक है चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा गत कक्षा में मैंने आपको ये पढ़ा दिया था ये छप्पन तक पढ़ा दिया था मैंने ठीक है यह हमारा हो गया था धातु चलिएगा अब हम चलते हैं आगे का हमारा सूत्र है चिता सूत्र संख्या एक सौ सत्तावन चिता प्रथमा ष्ठी के अर्थ में ये क्या है प्रथमा है अर्थ षी का होगा परंतु प्रथमा भक्ति का रूप है एक वचन का समास इसमें किया हुआ है चकार साचित बहुब्री मतलब चकार है इत संज्ञा जिसकी तो वो हो गया चित तो चित कुछ भी हो सकता है मतलब चकार जिसका प्रत्यय होते हैं प्राय करके परंतु कई आदेश भी चित होते हैं तो सारे आ जाएंगे तो चित का अर्थ हो गया जिसका चकार की जिसमें चकार की इत संज्ञा है और फिर कहते हैं उसके बाद में हमें बनाना है चित्ता ये प्रथमा व्यक्ति एक रूप एक वचनांत लिया इन्होंने है तो अब ये तो हलंत बना चित्त आकार कहां से आएगा तो कहते तपश्चिद चित्ता मत्वर्थियो अच्छी कहते हैं अब इसके बाद में चित है जिसका चित्त चित्त का अर्थ क्या हुआ चकार है इत जिसका वो चित हो गया समुदाय अब वो है जिसमें अब और आगे बढ़ गई श्रृंखला तो वो क्या हो गया चिता चिता मो अच अर्षा दिभ्यो अच से क्या कर दिया अच प्रत्यय कर दिया मतवर तो अब इसका अर्थ क्या हो गया चिता चिता शब्द का अर्थ हो गया कि चकार इतवाला मन चकार है इत जिसमें वो चित्त और वो है जिसमें वो कहा जाएगा चिता और इस चिता का अर्थ है षी का अर्थ में प्रथमा है तो चित्त का उसका ये अर्थ है चलिए देख लेते हैं अनुवृत्ति इसमें आ रही है अंत उदात्ता मतलब अंत उदाता की अनुवृत्ति आ रही है अर्थ चितो तो भवति कहते जो चित होता है वो होता है तो चित क्या होता है समझा दिया समाज के द्वारा इच्छा है इत जिसका वो चित हो गया और वो है जिसका वो हो गया चिता उस पूरे समुदाय का अंत होता है शब्द समुदाय का आइएगा उदाहरण देते हैं भंगुरम भासुरम कुंडिना ये उदाहरण दिए सिद्धियां वैसे कर दी है पहले फिर भी यहाँ पर ये सूत्र उन्होंने दिखाया है कि भंगुरम आदि में क्या हुआ है भंग्या भास मिदो घुरच तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद के एक सौ इकसठवें सूत्र से घुरच प्रत्यय हुआ है। भास धातु से और, और भाष से मिद से भी होता है मिद का पर इन्होंने उदाहरण नहीं लिया तो जो प्रत्यय होता है में क्या हो जाता है घकीत संज्ञा हो जाती है चकित संज्ञा हो जाती है तो ये क्या होता है चित होता है चित होता है, चित होता है। तो ये प्रत्यय क्या हो गया चित क्या हो गया प्रत्यय क्या हो गया चित और ये प्रत्यय है जिसके साथ में वो पूरा समुदाय प्रत्यय सहित क्या हो गया चेता धातु सहित को धातु सहित पूरा शब्द बन जाएगा वो चेता शब्द से कहा जा रहा है अब देखिएगा इसको मैं यहाँ पर शॉर्टकट में आपको दिखा देता हूं कैसे किया है। ये है ये क्या है भंज धातु है आपकी सिद्धि वैसे वहां कराई है तीसरा प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में कराई थी भंज है और ये घूरच प्रत्ये समझ लीजिएगा इसको अच्छी प्रकार से गीत संज्ञा तो ये क्या बचता है ऊरा ऐसा बचता है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है घित होने के कारण से क्या है तो से क्या हो जाता है इसको ग हो, हो जाता है फिर इसको ग के होने के कारण से फिर इसको क्या हो जाता है न हो जाता है संधि सूत्रों से ठीक है वो आप कर लीजिएगा क्यों तो बताने की जरूरत नहीं है इतना तो आ ही गया आपको संधि भाई जाता जा को हो गया चजो हो कुह गण तो हो स्थान के और फिर ये ये था ज के कारण ये था तो अब ये गा हट गया वो जा हट गया तो ये क्या हो गया अनुस्वार हो गया यहाँ पर अनुस्वार था पहले फिर अब फिर दोबारा गा आ गया तो अ अनुस्वार से यहीं पर संवारने से परसवर्ण ग का होगा ग का परसवर्ण अनुस्वार क्या होगा पांचवा म हो, हो जाए तो भंग और उर अब हमारा ये क्या बन गया ऐसा बन गया ये भंगा प्लस उर ठीक है बराबर ऐसा माना भं ये ठीक है जी अब देखिएगा अब हम समाज घटाते हैं इसमें चकार चित। चकार इत किसमें था इसमें ये क्या हो गया चित हो गया जो घोरच का जो उर्वचरा है वो क्या है? चित है ठीक है तो ये चित हो गया अब ये चित है जिसमें जिसका किसका है चित इसका धातु से आया है तो धातु सहित ये क्या हो गया चेत ये अकारांत बन गया ये चीता चित्वा, ये पूरा। और ये ये और क्या है है केवल अर्थ में अंतर आ जाए अब ये सूत्र क्या करता है चित्त माने चित्त है जिससे पूरे समुदाय समुदाय का अंतदात होगा तो अंतदात क्या है इसमें आ है तो अ हो गया ये अनुदात पदम एक बार जम से तो हो गए ये आ और ठीक है अब यहां पर अब यहां पर मैं आपको समझा देता हूं अभी पहले उदाहरण देख लेते हैं अभी मन में शंका आ सकती है उस शंका का भी निवारण करना है ठीक है इसी प्रकार से भास से होकर के भासुरम बन गया कुंडिना ये क्या कुंडिनी शब्द से इसको जस प्रत्यय के पर रहते के ये क्या हुआ है कुंड नच आदेश होता है अगस्त कुंडस्त कुंडी नच ये सूत्र है दूसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में वहां पर सिद्धि कराइए वही देख लीजिएगा तो वास्तव में यहां पर क्या था ये इन्होंने हिंदी में लिखा है यही पर समझ लीजिएगा कुंड को कुंड आदेश होता है वास्तव में कुंडन को को नहीं होता कुंडनी को होता है ये ये कुंडनी शब्द को यहाँ पर कुंड आदेश हो रहा है ठीक है लेकिन मूल शब्द तो कुंडन है परंतु स्त्रीलिंग में कुंडनी बनता है तो यहाँ पर जो हम बना रहे हैं वो स्त्रीलिंग के स्त्रीलिंग से प्रत्यय आया जस तो यहाँ पर क्या होता है ये दो चार सत्तर में दिखाई सिद्धि तो यहां पर हमारा शब्द होता है ये ठीक है नी। और यहां पर एक यही प्रत्यय है उसका क्या इसी सूत्र से लुक हो जाता है आगे जस है और जस आ रहा है जसमन बहुवचन का प्रत्यय तो इस जसके पैरते क्या हो जस के विषय में क्या होता है बहुवचन विषय में इस प्रत्यय का लुक हो जाता है और ये कुंडनी शब्द है उसको क्या आदेश हो जाता है कुंड हो जाता है। दिख है? तो कुंड आदेश हो जाता है तो ये वस्तु कुंडनी शब्द कैसा क्या कुंडी शब्द क्या है मध्युदा यह समझ लीजिए अब आपका मध्यदात कैसी है फिर इसकी पूरी सिद्धि में जाना पड़ेगा चलिएगा कुंड शब्द से प्रत्यय इन, प्रत्यय हुआ है इनी प्रत्य होने के कारण से क्या बन जाता है कुंडिन बन जाता है ऐसा दिख रहे कुंडिन तो प्रत्यय स्वर से ये क्या है अंतदात है ये इससे कुंड आ जाता है स्त्रीलिंग में गीप का क्या स्वर होता है अनुदात तो तो वो होता है तो ये कैसा रहता है कुंडल का डा डा ये डा का ई उदात्त तो होता है ये अनुदात्त है मध्य है वास्तव में कुंडली शब्द अब इसको कुंडल के आदेश करके करेंगे तो स्थानीय आदेशों में भी दौ से क्या हो जाए स्थानीय के स्थान पर हुआ जो आदेश है वो भी वैसा ही माना जाएगा कैसा माना जाएगा तो परंतु हमें तो वैसा नहीं चाहिए तो इस सूत्र ने कहा भाई कि जो चित आदेश है तो यहाँ पर क्या कर दिया कुंड ने आदेश कर दिया उस सूत्र से इससे तो ये चित्त है तो चित्त को क्या हो जाएगा ये अब ये कुंड ऐसा बन जाएगा कुंडी नच और ये जस का अस है अब ये चित होने के कारण से क्या है चित है ये तो पूरा ये क्या हो गया अंत तो हो गया ठीक है चित ये आ इसमें मिल जाएगा एक आदेश उदात उदात्ता से अनुदात्त और उदात्त का एक आदेश अनुदात्त उदात्ती हो जाता है अनुदात्तम पद में एक वर्जम तो ये क्या बन जाएगा कुंडिना ऐसा बन जाएगा कुंड बहुवचन में ये हो गया आपका अंत उदात ये अनुदात्तम पद में एक वर्जम इस प्रकार से संतुष्ट अब यहां पर हमें यह देखना है कि ये जो हमने ये जो उदाहरण दिए उदाहरण तो इस बहुबरी कर, क्या बहुब्रीही समास करके ही सिद्ध हो जाते तो भाई हम ये समास करेंगे मानिएगा फिर मैं लिख देता हूं ये क्या है भांगुगा और ये उच का है। हम कहेंगे चकार चकार है जिसका ये चित हो गया अब क्या है इसका प्रत्यय स्वर से ये आदि प्राप्त हो रहा था सबसे पहले धातु का स्वर लगता धातु अंतधात इसको दातु हुआ।

फिर हमें आगे इसकी क्या जरूरत है है इसकी क्या जरूरत है भाई ऐसे ही भाषण में भी अंतुदात सिद्ध हो जाएगा बौरी समाज से ही हमें यहाँ ष्ठ अर्थ प्रथमा नहीं कहनी पड़ेगी हम सीधा कह देंगे षष्ठी षष्ठी व्यक्ति एक वचन कह देंगे सीधा को तो चित्त का चिता बनेगा षष्ठी में एक वचन में ठीक है समझ लीजिए फिर भी यहां पर ये मतवर की अच प्रत्यय हमें दिखाना पड़ रहा है इसका कारण है यहां तो सिद्ध हो जाएगा काशिका का विषय फिर भी अब यहां पर दिखाया तो समझाना तो पड़ेगा कुछ जगह पर सिद्ध नहीं होगा वो कहां पर नहीं होगा जैसे एक शब्द है बाहू पाटावाह ये हमने ले लिया पाहु पाटा वाह बाहु पटवा में क्या है बाहु पटु ये शब्द है बाहु पटु ये प्राप्त करेगा इसका बहुवचन का है और ये शब्द कैसा है ये है उदात्त यहां पर त उदात्त है ये अनुदात्त है और ये है उदात्त अनुदात्त स्वरते स्वरत समझ लीजिएगा समझ में आ जाए तो नहीं आए तो कोई बात नहीं कुछ तो संस्कार बनेगा अब ये कैसा है वास्तव में यदि हम इसमें ये वाला समास कर दें चित हमें और ष्ठी व्यक्ति मान लें तो यहां पर स्वर नहीं लग पाएगा क्या यहां पर स्वर नहीं लग पाएगा कैसे नहीं लग पाएगा आइएगा ये जो वास्तव में शब्द है इसमें क्या हुआ क्या हुआ बोलो, क्या हुआ बोलो? बहुच प्रत्यय बहुच प्रत्यंत है पांच में अध्याय तीसरे पाद में मैंने आपको पढ़ाया था बोर्ड पर आ जाइएगा ये वास्तव में क्या बाहु पाटवा ये उदात्त है ये है, ये अनुदात्त है ठीक है और मूल इसका प्रातपति क्या है बाहु पटु इससे बहुवचन का है जस का ठीक है अब ये बहुपटु कैसे बनाया ये पटु शब्द से बहुच प्रत्यय हुआ है क्या हुआ बहुच प्रत्यय ये आपको मैं बता दू अष्टाध्यायी में अष्टाध्यायी की संख्या देख के बताता हूं आपको पांचवें अध्याय के तृतीय पाद का अड़सठवा सूत्र है सिक्सटी एट विभाषा सुपो बहुच पुरस्ता इससे क्या हुआ बहुच प्रत्यय होता है और बहुच प्रत्यय कैसा होता है आदि में होता है पूर्व में ये बहुच प्रत्यय हुआ यहाँ पर तो बहुच प्रत्यय क्या इधर ना होकर के प्रत्यय परश्च ना होकर के पूर्व में हुआ इसके पूर्व में प्रत्यय में ये क्या है चकित संज्ञा हो जाती है ठीक है इधर जैसा आ जाएगा बहुवचन में मान लिया हमने ठीक है अब देखिएगा अब क्या होगा अब हम स्वर लगाने चलेंगे क्या लगाने चलेंगे स्वर सबसे पहले इसमें क्या है प्रातपदिक है ये पटु फ्यूंतुदात्त से अंतुदात्त हो जाएगा ये ये अंतुदात्त प्राप्त हुआ फिर इसके बाद में ये वाला प्रत्यय आया बहुच्छ सती शिष्ट सरो वलियाम से क्या हो जाएगा इसका स्वर लगेगा इसका स्वर लगेगा तो ये वाला स्वर हट जाएगा इसका स्वर क्या है प्रत्यय परस्य और आद तो परश्चित तो नहीं हुआ पूर्व में हुआ आदि उदत्त है इसका क्या हुआ प्रत्यय का आदि उदत्त प्राप्त हुआ बा का आ उदत्त प्राप्त हुआ परंतु उसका भी अपवाद चित्ता सूत्र है क्या है चिता चिताने का भाई चित होता है वो तो क्या होता है अंतदात होता है अब हम इसमें जो हमने चित ऐसा लिया चित ये बाबरी समास वाला तो बाबरी समास हम चित मानेंगे तो चित क्या इतना है बहुच यही तो है चित। ये चित इतना बहु बहुच हट जाएगा तो चिता से इस जब ये लगाने लगेंगे तो चित का, है, हु का हु होने हु पर ये है गलत ये क्या है गलत है सही क्या है सही ये है कि यहां पर ये यह उदात्त करना है हमें पटु बाउबरी समाज से बहु का उदात हो रहा है और करना हमें क्या पटु का, का उ। अब हमने बाउबरी समाज के बाद क्या कर दिया मतवर प्रत्यय कर दिया मत्वर प्रत्यय का अर्थ क्या होगा बहुच माने ये प्रत्यय बहु ये चित है अब ये चित है जिसका या जिसमें तो उस सहित पूरे को ये क्या हो गया अब चिता अब ये एक कैसा हो गया चिता ये हो गया चीता <laughs> अब इसका अंतरात्त करेंगे तो ये क्या चित ये पूरा संदर्भ चित और चिता हो गया तो अंतरात्त हो, हो गया ये उदात्त हो गया आगे जैसा आ जाएगा जैसी तरह इसको गुण हो जाएगा ठीक है गुण हो करके ओ और आ आदेश हो करके ये क्या बन जाएगा उदात्त रहेगा अनुदात्त पद में एक वर्ण में उस उदात्तण का स्वर त स्वर तो यहां पर प्रयोजन है इसी प्रकार से अव्यय सर्वनामना ना मकछ प्राक्ते जहां पर अकछ प्रत्यय मध्य में होता है वहां पर भी इसका प्रयोजन है तो इसको देख करके क्या हुआ यहां पर भी इष्ट की सिद्धि हो जाती है और भंगुरम भास भंगुर भास, और कुंडीनाह यहां पर भी इष्ट की सिद्धि हो जाती है वहां पर भी समुदाय का तो ये प्रयोजन है कि हमें यहां पर चेता ये अकारांत मच प्रत्यय ला करके बनाना पड़ा ठीक है जी ये आपको समझ में आना चाहिए ठीक है चलिएगा यह हो गया आपका तो इसलिए ये उदाहरण इसी प्रकार से और भी उदाहरण समझ लेने आपको मैं बता दिया ठीक है तो अभी हमारा ये आपको पता ये सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इसमें हम बड़ी वीडियो नहीं बना सकते हैं, हमारी मजबूरी है अब तेईस पच्चीस से तीस मिनट की वीडियो बना सकते हैं, बड़ी बनाई नहीं सकते इसके लिए भी प्रयासरत हैं। आप सभी से हमने निवेदन भी किया है कि हमें एक अच्छा सॉफ्टवेयर परचेज करना है, उसके लिए पैसे चाहिए ठीक है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बार बार हमें परेशानी कर देता है और हमारी कक्षाएं बंद हो जाती हैं कई कई दिन तक बंद हो जाती हैं हमको बहुत कष्ट होता है दुख होता है और पाठकों को भी असुविधा होती है और हमारे पास में उतने पैसे नहीं है कि हम एकदम झट से खरीद लें धीरे 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 आपसे कुछ कलेक्शन होगा आप सभी लोग देंगे तो देखो जब इकट्ठे हो जाएंगे पैसे तब नया सॉफ्टवेयर आएगा फिर हम बड़ी बड़ी कक्षाएं बना सकते हैं ये प्रॉब्लम कर रहा बहुत कभी इसके ड्राइवर्स मैच नहीं खाते कभी ग्राफिक्स कार्ड कुछ अलग बताता है ठीक है बार-बार अपडेट होता रहता है उसमें नया नया चेंज होता रहता है बहुत परेशानी आती है ठीक है तो लगे हुए हैं चलिएगा तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे इसका ये भी आप कर सकते हैं आप एक दिन में दो कक्षाएं भी पढ़ सकते हैं ठीक है चलिए वे No,